लेंस फॉर्मूला में बात में ना, लेंस फॉर्मूला होगा 1 बाय f इक्वल्स 1 बाय b माइनस 1 बाय u, जहां u को हम क्या कहते हैं, u को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को कितने दूर पर रखे हैं। b क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, इमेज को कितना दूरी पे फॉर्म किया गया है। डिस्टेंस को शॉर्ट में dh लिखते हैं। f फोकल लेंथ जारी हो सकता है, f इज सेड टू बी फोकल लेंथ, और फोकस लेंस में दो क्यों होते हैं, बिकॉज देयर आर टू वेज ऑफ इंसिडेंटिंग रेज, है ना, दो तरीका इधर से भी इधर से भी, इसलिए फोकस दो होता है। और 1 बाय f इक्वल्स 1 बाय v माइनस 1 बाय u है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक होता है यहां पर v बाय u, वहां था माइनस ना, यहां v बाय u, और m का एक फॉर्मूला होता है यहां पर h i बाय h, वहां की तरह दोनों के बीच रिलेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ट न्यूमेरिकल गारंटी मान लीजिए मेरा आप आएगा, इसी बेस्ट बोर्ड में आ रहा है कंफर्म है ना, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उनका इसी बेस्ट आएगा। तो रिलेशन दोनों के बीच क्या है, v बाई यू इक्वल्स एच आई बाय एच ओ, इसी को अगर कम जाओगे कंपटीशन में तो आपका क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इसको लिखता है ना, वी एच ओ माइनस कितना यू एच आई इक्वल्स कितना जीरो, पूछ देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी एच ओ माइनस यू एच आई, बोलना पड़ेगा जीरो, कैसे आया, दोनों इक्वल है, प्रॉब्लम वन एंड इक्वेशन टू, जब लेफ्ट पार्ट सेम राइट सेम हो जाएगा ना, राइट सेम कर दिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस तरफ आया माइनस में हुआ इक्वल कितना जीरो आ गया, मतलब वी एच ओ माइनस यू एच आई इक्वल व्हाट जीरो, ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन वी एच यू एंड एच आई, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है डिफाइन कर लो, डिफाइन वही रहेगा सब कुछ, फोकस का डिफाइन वही है जो वहां लिखाए थे, मैग्निफिकेशन रिकॉर्ड क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू डेट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिलेशन ये होगी वहां पता माइनस, यहाँ माइनस में क्या है प्लस, इतना अंतर। और ट्रिक जो मेरा है उस ट्रिक पर भी काम कर लेते हैं, देखिए आंसर से हो गया। एक बात और, मैग्निफिकेशन जानते क्या देता क्या है, मान लीजिए हाँ आपको हम पढ़ाए थे कुछ दिन पहले, दो दिन पहले पढ़ाए थे, व्हाट डू यू मीन बाय, समझोगे व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज प्रोवाइड, बताया ना इसका मतलब क्या था, गलत नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज प्रोवाइड थ्री मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज स्पीड ऑफ लाइट इन बट एयर, मीन्स लाइट का स्पीड ग्लास में एयर के अपेक्षा कितना होगा, 4/3 गुना होगा, उसी को कहते हैं हम लोग इसका मीनिंग, ठीक है। पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आ गया या व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू दे दिया, बोलना पड़ेगा एम का मान टू है, एम का मान टू एच आई एच ओ, एच आई इक्वल्स कितना होगा टू एच ओ, मीन इमेज इज टू टाइम्स दैट ऑफ द व्हाट ऑब्जेक्ट, वहां स्पीड कहते हैं इमेज का साइज बोल देंगे, क्या इमेज इज टू टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस, या तुम इसको ऐसे लिखाओगे तो इक्वल्स क्या हो, एच आई एच ओ यहां लिखाओगे, एच करते हैं क्या होगा वी बाय यू कहोगे, यहां से वी इक्वल्स टू यू, इमेज डिस्टेंस इज टू टाइम्स व्हाट बोल सकते हो, साइज के रूप में भी कर सकते हो और इमेज डिस्टेंस के रूप में कर सकते हो, पूछता है क्वेश्चन ये एग्जाम पूछेगा नेम टू क्वांटिटी विच हैज नो एनी यूनिट इन फिजिक्स, बोलना पड़ेगा एम और यू, एम का यूनिट नहीं होता है ना म्यू का होता है, म्यू का भी नहीं होता है ना, यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस भी है, डायमेंशन लेस मतलब जिसका कोई जब यूनिट नहीं है डायमेंशन भी नहीं होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी को डायमेंशन लेस भी कहते हैं, ठीक है, आगे पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ना, यूनिटलेस जो होगा डायमेंशनलेस भी होगा, ये भी हो गया, एम का मीनिंग भी क्या हो गया, ये हो गया ना, क्या ध्यान रखोगे, चलो बात नहीं ध्यान रखोगे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रिक देखते हैं, प्रॉब्लम पे काम शुरू करें, इसके बाद ट्रिक सुनो क्या है, वहां पर आपको फॉर मिरर फिर से एक बार रिव्यू करते हैं, जिनका छूट भी गया ध्यान रखोगे, मिरर के लिए था रियल, इसको अच्छे से लिखा देते हैं, मिरर के लिए था यू, यू क्या मिरर क्या ऑलवेज था ना, यू मिरर हो या लेंस कोई भी हो दुनिया में कहीं भी रहो
U का मान हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव। एच ओ का मान ऑलवेज लोगे पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन जाओगे जब हायर स्टडी में तो वहां पर इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं। अभी नहीं प्रूव पढ़ना उसे, बस अभी तक ध्यान रखोगे यू ऑलवेज नेगेटिव, एच ऑलवेज पॉजिटिव। और रियल का मतलब मिरर वाले केस में क्या होता है? नेगेटिव। वर्चुअल मतलब क्या होगा? किसी क्वेश्चन में अगर यूज किया है कि इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, समझ जाना कि इमेज रियल बना है। क्या किसी क्वेश्चन में यूज कर लिया कि इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन और कोई लेंस का नाम नहीं दिया है, समझ रियल बना इमेज, क्या रियल इमेज कोई नहीं प्राप्त करता स्क्रीन पर, तो साइन उसके अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। और वर्चुअल लिखा है इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन रहा, ये वर्चुअल का, समझ जाना इमेज कैसा आपका है, वर्ड से पहचानो रियल है वर्चुअल। क्या इमेज फॉर्म इन्वर्टेड लिख दिया, इन्वर्टेड तो भी समझ जाओगे क्या रियल होगा, इलेक्ट कर दिया अपने आप समझ जाओ वर्चुअल होगा, तो उसके वर्ड से निकाल लोगे रियल है वर्चुअल, अपने आप पसंद बन जाएगा। ये ट्रिक था मेरा किसके लिए? फॉर मिरर के लिए। और मिरर में याद होगा आपको पढ़ाए थे, फॉर मिरर में कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर का फोकस क्या था? रियल था, रियल तो कैंडिडेट था ना, और कन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव था क्योंकि वो था वर्चुअल, नहीं कन्वेक्स मिरर में डॉट डॉट भरना पड़ा था, यहां डॉट आया मतलब वर्चुअल है। ये पूरा ट्रिक था आपका मिरर के लिए। फॉर लेंस का ट्रिक क्या है? और यहां पर भी एक बात और, एमबी क्या होगा? एमबी रियल के लिए क्या होगा? निगेटिव। और एम वर्चुअल के लिए क्या होगा? ये ट्रिक था आपका, मैंने यही है क्या, ये दो ट्रिक इसी को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर दिए हैं कि कैसे करना है इसको, ठीक है। एक्सप्लोर में तो क्या होता है, यूज किया हम नहीं, एक्सप्लोर वर्ड का मतलब क्या होता है, वर्ड यूज कर दिखा देते हैं क्या, फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए। एक्सप्लोर में क्या होता है, कोई चीज को ढूंढना हो गया, सही बोला, इसको मतलब ढूंढे ढूंढा नहीं गया। रियल और वर्चुअल के बुक में कौन दिया रहता है, कुछ सोच कर उसको निकाल कर देखे आपको, हम रियल मीन्स निगेटिव, वर्चुअल मीन्स पॉजिटिव, फॉर मिरर वही हुआ, एक्सप्लोर करना इसको और इलोबरेट करने का मतलब होता है इसको विस्तार समझाना। फॉर लेंस, लेंस के लिए वी यू क्या होगा, वही रहेगा, एच ओ क्या, वही रहेगा, मतलब कि यू ऑलवेज निगेटिव, इसका तुम बाबू कसम खा लो। और एच ओ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, कसम खाने पर खाने तुमको। और यहां पर रियल का मतलब निगेटिव नहीं होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। वर्चुअल का मतलब यहां पर क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव। लेकिन लेकिन यहां पर एक वर्ड है लेकिन, क्या बोले आपको हम, लेकिन, देखो लेकिन लेकिन सवाल ये है कि जो आपका फोकस होगा, फोकल लेंथ जो होगा कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स के लिए आपको फोकल लेंथ यूज करना है पॉजिटिव ही, और कॉनकेव के लिए फोकस लेंथ, फोकल लेंथ यूज करना है निगेटिव। लेकिन कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, जबकि कन्वेक्स का फोकस क्या होता है, रियल। कन्वेक्स लेंस का फोकस था रियल, फोकस रियल, रियल का यहां पर मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। कन्केव का फोकस क्या हो गया, निगेटिव। वर्चुअल तो वर्चुअल लेंस क्या, पॉजिटिव। सब कुछ से दिखाई पड़ रहा है, मैच भी कर रहा है, कुछ चेक कर रहा है। हमने कहा था रियल का मतलब यहां पॉजिटिव होता है, कन्वेक्स का फोकस रियल है, पॉजिटिव है ना, कन्केव का फोकस वर्चुअल है, निगेटिव है। मीन्स ये इसमें फॉलो कर रहा है, खाली फॉलो कहां नहीं करेगा, उस पर गौर कीजिएगा। फॉलो बस दो केस में नहीं करेगा, वो दो केस ये है कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एच आई एंड एम, इसको छोड़कर के बाकी सारा कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। कहोगे एच आई एम से क्यों नहीं कन्वर्ट करेगा, याद कीजिए लेंस में भी अगर इमेज था रियल तो नीचे बना था, नीचे मतलब प्रिंसिपल एक्स के नीचे माइनस होगा ना, रियल में यहां पर माइनस ही आ गया ना, मतलब मिरर के यहां कंसेप्ट आ गया। मिरर में भी आप पढ़े रियल मीन्स निगेटिव होता है, लेंस में भी रियल का मतलब निगेटिव ही होगा एच आई वाले केस में से। एच आई जब निगेटिव है
एच आई से जुड़ा हुआ कौन है मैं एमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रियल के लिए वही केस आपको यूज करना यहां पर भी जो मिरर यूज किए थे, मतलब इसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ क्या होगा, बाकी सारा कुछ उल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसको छोड़ करके बाकी सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। इसको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, कन्वेक्स का पॉजिटिव, कन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव, या फिर सुन लो निष्कर्ष सब मिला क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि यू हमेशा निगेटिव, एच हमेशा पॉजिटिव, रियल का मतलब निगेटिव, वर्चुअल मीन्स पॉजिटिव, किसके लिए मेरे लिए, ये जो दिखा दिए हैं भूल गए तो। अरे कनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, देखो कनकेव है मिरर, गया थे ऐसे सब यहां मिट किया था, मिट किया एक्चुअल में रियल है निगेटिव होगा, ठीक है कन्वेक्स उल्टा हो गया, कन्वेक्स लेंस है, लेंस है मिला गया इंसिडेंट में, कहा यहां मिट किया, मिट किया एक्चुअल में रियल है, रियल मतलब क्या हो गया उल्टा हो गया ना, ठीक है मतलब सब कुछ उल्टा होगा, बस किसको छोड़ करके एच आई और एम, बाकी सारा कुछ मेरे के उल्टा हो गया, मतलब रियल पॉजिटिव वर्चुअल निगेटिव, समझ गए बोले, मतलब कि मिरर को जिसको अच्छा से याद है, लेंस का सारा कुछ याद रहेगा, सिर्फ किस चीज को छोड़ करके ट्रिक में एच आई और वो आपका रियल मतलब निगेटिव ही होगा और वर्चुअल मतलब पॉजिटिव ही होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना, कोई साइन कौन याद करने का आपने ध्यान, अब डटते होंगे इससे गिरा उल्टा हो रहा है माइनस कर दे ज्यादा दिला प्लस करके ऊपर है प्लस नीचे है, मान कुछ नहीं, रियल निगेटिव वर्चुअल पॉजिटिव फॉर मिरर, रियल पॉजिटिव वर्चुअल निगेटिव फॉर एक्सेप्ट एच आई एंड लिख दिए, इसको छोड़ करके मीन एच आई एंड एम को छोड़ करके इसको याद रखिएगा, इसको छोड़ करके सब कुछ आपका वही होगा, ठीक है व्हाट्सएप का नाम और एक पार्ट यू इसमें मिलेगा, अगर इस लेंस का फोकल लेंथ अभी मान लिया था, इसका फोकल लेंथ क्या होगा 2f और 2f हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है क्यों होगा इसको रिकूट भी करेंगे हम, और अगर आप लेंस को इस तरह काटेंगे एक पार्ट यू इसमें मिलेगा और एक पार्ट यू इसमें मिलेगा ना, और इसका फोकस फोकल एफ है, इसका भी एफ, इसका भी क्या होगा कैसे होगा इसका वन बाय एफ इक्वल सब पढ़े हो वन बाय म्यू टू बाय कितना म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस आर टू, काटने के बाद ये क्या बन गया प्लेन शीट बन गया, प्लेन शीट मतलब प्लेन ग्लास, और प्लेन ग्लास का फोकस कहां होता है इनफाइनाइट पर, फोकस इनफाइनाइट पर तो आर भी और दूर से होगा, आर बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट हो गया, वन बाय इनफाइनाइट क्या होगा वन बाय इनफाइनाइट जीरो होगा, वन बाय इनफाइनाइट का मान जीरो नहीं पड़े हो जीरो हो गया, मतलब ये जीरो हो गया, मतलब ये जीरो मतलब क्या वन बाय आर वन में कुछ कमेगा नहीं, ऐसे अभी कुछ कम रहा था ना, अब कुछ नहीं कमेगा, मतलब ये पार्ट बढ़ गया ना, ये पार्ट बढ़ गया तो ये पूरा पार्ट बढ़ गया, जब ये पूरा पार्ट बढ़ गया तो ये इसके इनवर्स है ना, ये बढ़ गया कब जब ये घटेगा, इसका मतलब घटेगा तो यहाँ बाय टू से कट गया, यहाँ क्या हो गया बाय टू, क्या फिर सुनो एक बार, जब इसको काटे तो एक भाग हुआ प्लेन शीट इन प्लेन ग्लास का उसका इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट मतलब फोकस इनफाइनाइट पर रेडियस ऑफ कर और दूर उसका होगा, और दूर मतलब इनफाइनाइट का डबल इनफाइनाइट ही होगा, वन बाय इनफाइनाइट क्या हो गया जीरो, एक में जीरो से भाग देने पर इनफाइनाइट मिलता है, क्योंकि एक में इनफाइनाइट से भाग देने पर क्या मिलता है जीरो, वन बाय इनफाइनाइट जीरो हो गया, इसका मतलब वन बाय आर वन में कुछ घटा ही नहीं, कुछ नहीं घटा मतलब ये बढ़ गया बड़ा हो गया ना, एज नॉर्मली कुछ ना कुछ घटता है ना, अब नहीं घट रहा है इसका मतलब ये पार्ट बड़ा है बड़ा हो गया, ये पार्ट बड़ा हो गया बड़े में गुणा करो किसी को बढ़ा होगा, इसका मतलब ये पूरा पार्ट बढ़ कब जाएगा जब ये घट जाएगा ना, घटेगा कब जब फोकल हाफ हो जाएगा, एक्सपेंड करके उसको नॉर्मली सिखा दिए कि जब 20 से काटोगे फोकल क्या होगा फोकल आपका उसका हाफ हो जाएगा, काटोगे मिडिल से नो चेंजिंग रिमेन सेम होगा, तुमको पढ़ाया जाए पढ़ाई पढ़ाया था लेंस का एक पार्ट रंग देते हैं तो फोकस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ इमेज साफ नहीं बनता है,
उसको बी से कंपेयर कर लो। याद रखने का तरीका हुआ वो, बी से काटेंगे तो क्या होगा, ऐसे काटेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कट और ट्रांसवर्स कट। याद आ गया, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कट। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स कट, तो पर्पेंडिकुलर काटते हैं, ऐसे काटते हैं जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कट। आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे एसटी में लॉन्गिट्यूड, पढ़े ऐसे होता है, ऐसे होता है, उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है। वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर को सॉल्व प्रॉब्लम में नहीं आएगा, यानी वन बाय एफ इक्वल्स कहोगे सर के इंटू कितना, वन बाय टू क्या कहोगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन, कोई प्रश्न किसी को है नहीं, फिर इसमें अब वन बाय नया फोकल लेंथ को एफ डैश मान लिए इक्वल्स के, तो के ही रहेगा, मीडियम कॉन्स्टेंट है, चारों तरफ वही है, और वन बाय जो आपका पहले कितना था, दोनों पार्ट था तो वन बाय टू सब लिखाया, एक पार्ट रहेगा, सॉल्व करे कितना आएगा, जीरो हो गया ना, फिर वन बाय कितना फोर आएगा, वन बाय फोर। अब यहां पर कुछ मत करो, सुनो बेटा, इसको देखिए, अब वन बाय एफ डैश इक्वल टू के इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू कर सकते हैं दोबारा इसको, अब के इंटू वन बाय टू को ऊपर से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग, वन बाय एफ कहेंगे, इंटू कितना टू, एफ का मान क्या हो गया, इन आपका नया एफ है, नया एफ का मान कितना हो गया, टू एफ लगता है, गलती दिखा दिया क्या, यहां टू एफ कर दो, जब तक प्रूफ नहीं होगा, याद नहीं भूल गए तो शाम भी उसको रिमाइंड हो गया ना प्रूफ करने के बाद, कैसे मैंने सके क्या, हाँ फॉर्मूला था माइनस, एक तो प्लस में होगा, इंसिडेंट लाइट तो गिरेगा ना एक बार में, जस्ट गिरेगा मान लो तो लिख प्लस उसको, और जस्ट गिरे तो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसका, उसके माइनस देना पड़ेगा, माइनस का प्लस हो गया, ये बच्चे सही कुछ किया, डिवाइड बाय वन बाय टू हो गया, टू बार निकल गया, ये के बाय टू वन बाय एफ हो गया, वन बाय एफ एक बात नहीं, वन बाय एफ हो गया, इंटू टू हो गया, टू एफ एफ डैश, हम लोग सही बनाए हैं, सुनोगे वो भी सही, दोनों सही है, यहाँ पर एफ डैश हम रहोगे, यहाँ एफ डैश जो हुआ वो कितना हुआ, हम कंपेयर वन बाय एफ से कर रहे थे वहां ना, वन बाय एफ डैश क्या हो गया, वन बाय एफ डैश वन बाय एफ का क्या नहीं हुआ है, हम कंपेयर एफ डैश से नहीं किए थे, हम वन बाय एफ डैश को ना कहने टू आएगा फॉर्मूला में, वन बाय एफ डैश वन बाय एफ हम एफ पढ़ाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा, वन बाय एफ इक्वल्स के इंटू कुछ था ना, ठीक है कितना आया था, वन बाय टू आया था, थोड़ा आया था पहले वाले केस में, दूसरे में कितना एफ डैश इक्वल टू कितना आया के इंटू वन बाय फोर, इसको हम लोग शांत रहोगे, वन बाय एफ डैश फर्स्ट केस है, मीन ओरिजिनल केस ही है, हाफ करने के बाद वाला केस है, के इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू कहोगे उसको, इस पार्ट की जगह पे क्या पुट करेंगे, वन बाय एफ पुट करेंगे, वन बाय एफ का हाफ नहीं हो गया, ये वन बाय एफ का हाफ बोले थे हम, वहां वन बाय एफ का हाफ बोल रहे थे, एफ का क्या होगा डबल हो जाएगा, ठीक है हम वन बाय एफ से वहां थिंक कर रहे थे, और इसके हम निकाल लास्ट निकाले क्या है, निकाले एफ पर, इसके बाद बड़ी क्या लेंस को बीच से काट रहे हो, काट दिए तुम इस पार्ट को, काट के अलग किए, अलग करने वाले बात की बात कर रहे, इस पार्ट की बात कर रहे थे, इस पार्ट ये तो कंधे भी अभी है, ये नहीं पार्ट फेल हुआ, इसमें तो इसका तो स्पेयर वही ना होगा, इसका सेंटर क्या वही ना होगा, चेंज किया आजकल तो नहीं किया, इसका नहीं गया साइड चेंज कोई नहीं किया, हम दो भाग में काटे ट्रीट कर रहे थे, एक भाग दो को ट्रीट नहीं कर रहे, ठीक है क्वेश्चन में आपको बस इतना बड़ा याद कि अगर बीच से काटेंगे तो दोनों पार्ट का फोकल लेंथ डबल होगा, एफ के बोल रहे हैं, वन बाय एफ का हाफ ही रहेगा,
चलिए बताया इसको ना, आपका एग्जाम में से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, लेकिन हम बार बार कह रहे कंपटीशन में जरूर पूछता है कि अगर मीडियम चेंज करने से वोकल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल्स आपका वैसे ही बनेगा जैसे आप वहां आए, सब कुछ सेम रहेगा। एक न्यूमेरिकल्स पे काम करते हैं, एम पर पहले काम करते हैं, एम वाले में आपको ज्यादा फंसते हैं क्वेश्चन में। देखो चलिए बात बंद कीजिएगा, एम वाले को एम जो आपको पढ़ाए थे उसको ऑन कर दो, ऑन कर दो। देखो अब लेंस की बारी है, लेंस में आप एम वाला कॉन्सेप्ट जो था उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। एम जिसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, एम का मान प्लस वन, एम का मान माइनस वन, एम का मान बात नहीं जीरो माइनस जीरो पॉइंट टू, एम का मान प्लस जीरो पॉइंट थ्री, एम का मान माइनस 1.2, एम का मान प्लस 1.3। शांत रहोगे सुनोगे, एम का मान प्लस 1 लेंस में कभी पॉसिबल है या सुनो बोलिए, लेंस की बात सिर्फ कर रहे हैं, एम का मान लेंस में पॉसिबल नहीं है। एम का मान 1 मतलब बाबू होता है सेम साइज, एच आई किसके इक्वल है, ठीक है। एम का मान 1 रहेगा तो एम का मान अगर 1 से बड़ा है, इसको करने का मतलब क्या मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस साइन पर ध्यान नहीं देना है, इसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड या मॉडुलस या मॉड, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना क्या इसको है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आप माइनस साइन को इग्नोर करते हैं, आपको हमेशा कंपेयर करना माइनस साइन को छोड़कर, ठीक है। माइनस साइन को छोड़ दीजिए, अरे ये मान लो बात कर रहा हूं, एक से बड़ा जो छोटा एक से, एक्चुअल में तो एक से छोटा 1.-2 है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हट गया ना, बड़ा हो गया, हम उसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इमेज बड़ा हो गया ना, ऑब्जेक्ट। और एम मैग्नीट्यूड ऑफ एम अगर एक छोटा है, इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तीन टेंस कांसेप्ट ध्यान रखिएगा हमेशा, सुनो क्या बोल रहे हैं, एम का मान प्लस 1 मीन्स सेम साइज, कभी भी लेंस में पढ़े हो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बने, बनता तो है लेकिन बनता रियल है। प्लस मीन्स क्या होता है, पढ़ाया था आपको लेंस में भी एम का मतलब वही होगा तो यहां पढ़े, प्लस मतलब यही होगा, रियल में कभी भी आपका 1 वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल में कभी 1 नहीं बनेगा, प्लस मीन्स वर्चुअल होगा ना, वर्चुअल में सेम साइज का इमेज लेंस में पॉसिबल है ही नहीं, लेंस क्या मिरर में भी पॉसिबल नहीं है, किसको छोड़कर के प्लेन को छोड़कर क्या, यानी ये हमेशा यूनिवर्सल हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल, ये हो गया यूनिवर्सल ओनली फॉर प्लेन मिरर, शॉर्ट में पीएम कर दिए इसको। चलिए एम इक्वल्स माइनस 1 लेंस में पॉसिबल है, बिल्कुल है, माइनस मीन्स रियल, 1 मीन्स सेम साइज, कब एट, बोलिए 2 है, बिल्कुल सही है, माइनस 0.2, माइनस मीन्स रियल, 0.2 से कम है ना, डिमिनिश, रियल और डिमिनिश कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां करते हैं, बियॉन्ड, ये भी हो गया, प्लस 0.3, प्लस मीन्स वर्चुअल, वर्चुअल में डिमिनिश है ना, 0.3 से कम, वर्चुअल में डिमिनिश बनता है किसमें, कॉनकेव में, नहीं बनता है कॉनकेव में, और माइनस भी आ गया रियल, रियल तो बनाया कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस में रियल और भी एक से बड़ा है ना, कब, बिटवीन एफ एंड, नहीं पड़े भाई जी, लेंस में अगर ऑब्जेक्ट को ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2F इसके बीच रखते हैं तो बनता बड़ा, बियॉन्ड 2F नहीं बनता, ठीक है ना। और एम का मान प्लस 1.3 किसके लिए पॉसिबल है, प्लस मीन्स वर्चुअल, 1.3 लार्ज, वर्चुअल इन लार्ज बनता है कॉन्वेक्स लेंस का छठा केस, बिटवीन ओ एंड, ठीक है, लेंस का वही कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट है मिरर का, एक से कम डिमिनिश्ड, एक से बड़ा इलाज, एक सेम साइज, माइनस रियल प्लस वर्चुअल, ठीक है, मतलब मिरर का सारा कंसेप्ट लेंस में यूज कर सकते हो, सब कुछ वही रहेगा, क्या कोई साइन फाइन चेंज नहीं, सब वही रहेगा, साइन वही रहेगा ना, यहां भी रियल, रियल मतलब निगेटिव रहेगा, चूंकि आपको बोल दिया है एक्सेप्ट एच आई एन एम, ठीक है। चलिए पूछ लेता हूं सबसे क्लियर के लिए, क्या रुपये तुम एम इक्वल्स दिया हुआ है कहीं माइनस 0.7, ये किस लेंस में पॉसिबल है,
माइनस 0.7 किस लेंस में पॉसिबल? यस, कौन से लेंस में पॉसिबल है बाबू? उतना सोचने का काम है ना, माइनस मतलब रियल, रियल बनता कहां लेफ्ट साइड से हो? 0.7 से कम, 0.1 से कम डिमिनिस्ट कब? बियॉन्ड हो गया नहीं इसमें। साइन देखो, बोलो पीछे साइन देख के बोलो नेचर को बोलोगे, और इसको देख के बोलोगे क्या उसका साइज क्या है? हाँ समझो, एम का मान लिख दिया कहीं माइनस एक प्रॉब्लम आई फर्स्ट में, आगे खत्म हो जाएगा। एक बताओ मैग्नीफाइंग लेंस किस लेंस को कहेंगे? मैग्नीफाइंग जो बड़ा फ्रेम है वर्चुअल में। चलो क्वेश्चन बनाओगे तुम लोग खुद से, इसमें हम कोई हिंट नहीं करेंगे, आप उस सबसे बन जाएंगे इसका विश्वास हमको है। देखो फिलामेंट पे लैंप ऑन रखा हो, फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम योर स्क्रीन। देखो व्हाट आ गया स्क्रीन ना, समझ जाना कि यहां पर रियल बनने वाला है। एंड ऐसे आपका कॉपरेट करने के लिए आ गया कन्वर्टिंग लेंस भी, एंड ए कन्वर्टिंग लेंस लिख दिया, कौन लेंस? कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इट ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब समझ जाना कि रियल बना है, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मीन्स क्या होता है? बड़ा, थ्री टाइम्स। मैग्निफाइड वर्ड का मीनिंग होता है इनलार्ज। मैं इसमें मार्क कर रहा था क्लास टेंथ में, तुम्हें याद है इसमें पढ़ते हुए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिलामेंट एंड फोकल लेंथ। बोले यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है? फिलामेंट, ठीक है, बनाई बस अब तो बन जाएंगे विश्वास है। लेंस का ही कॉन्सेप्ट यूज, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कन्वर्टिंग लेंस, ठीक है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बात नहीं। फिलामेंट ऑफ ए लेंथ इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। फिलामेंट ऑफ द लेंथ इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब क्या? पर्दा। उससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। स्क्रीन कहां रखते हैं? स्क्रीन वही रखते हैं जहां बनता है इमेज, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज से कितनी? 80 है क्या? ऑब्जेक्ट की दूरी इमेज से 80 है। इमेज कैसा बना है? इमेज बना आपका मैग्नीफाइड भी है, रियल भी है। और रियल इमेज मैग्नीफाइड तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को कहां पुट करें? बिटवीन एफ एंड टू एफ। यहां पुट किया ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज बाबू कहां बना होगा? बात नहीं, इमेज कहां बना होगा? बियॉन्ड टू एफ, इस तरफ। बियॉन्ड टू एफ में लार्ज बन गया। समझा रहे अभी सीखा, आपको एग्जाम में करना नहीं है। हम लोग फिर बोल रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिए? कल लिखा है कन्वर्जन। उसके बाद क्या कहा गया? ऑब्जेक्ट को रखा गया इस तरह से कि इमेज बना है मैग्नीफाइड, बड़ा। कितना बड़ा? थ्री टाइम बड़ा। और रियल भी है, बड़ा तो बनता है इसके बीच भी है, रियल कर रहा ना, जरूर इसके बीच रखेंगे ऑब्जेक्ट को। इमेज बना होगा बियॉन्ड टू एफ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया? इमेज। अब स्क्रीन भी होगा ना, यहां पर क्या होगा? स्क्रीन भी इसी पर होगा ना, चूंकि इमेज जहां बनता है वही रखते हैं स्क्रीन को, ठीक है। तो फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब हो गए, इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। मतलब ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपके पास? 80 सेंटीमीटर।
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, नहीं है। उसकी बात कर रहा है लेंस कन्वर्जिंग हो गया मैग्नीफाइड थ्री टाइम्स मीन्स अकॉर्डिंग टू पर्सन, बोलिए ये यहां से यहां तक क्या कहते हैं, यू कहते हैं, और यहां से यहां तक क्या होता बी मीन्स कर्व अकॉर्डिंग टू पर्सन बी प्लस यू इक्वल्स 80 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बोलिए नहीं। उसके बाद फिर कहोगे सर हाइट ऑफ इमेज इज थ्री टाइम्स व्हाट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड बड़ा तीन टाइम हो गया, और यहां रियल भी है ना, रियल मीन्स क्या नेगेटिव, आपको हम कहे एच आई में वही यूज करते जो वहां पड़े थे, ठीक है ना। चलिए बन जाएगा, सुनोगे फ्रॉम रिलेशन पढ़ाया था आपको, इसका यूज बहुत जगह करना है, माइनस बी वाई जो यहां क्या होगा, बी वाई यू इक्वल्स एच आई वाई एच ओ, बोलिए एच आई का मान क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री एच ओ बाय एच ओ कट गया, बी इक्वल्स क्या आ गया माइनस थ्री यू, देयरफॉर बी का मान पुट करेंगे, देयरफॉर फ्रॉम वन वन ही ना बी का मान क्या पुट किया माइनस थ्री यू प्लस कितना यू इक्वल्स कितना अस्सी माइनस टू इक्वल्स कितना सही है ना, यू का मान कितना आ गया, इससे निकालने को जी कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम फिलामेंट, लेंस की दूरी फिलामेंट कितनी हो गई माइनस 40, आपको लगता है सही है, सेम तो होता नहीं है, कुछ गलती नहीं हुआ है क्या, क्या हो रहा है करते हम बी प्लस यू प्लस अस्सी दिया हुआ है, अस्सी है बी प्लस यू अस्सी एच आई थ्री माइनस आई है एच आई एच ओ बी माइनस एच ओ कट गया, बी का मान माइनस थ्री यू माइनस थ्री यू प्लस यू माइनस टू प्लस एट्टी यू इक्वल्स माइनस 40 सही है, यू इक्वल्स 40 हो गया। तो निकालना क्या आपको फोकल लेंगे, अब निकाल लेंगे अब वन बाय बी वन बाय आप कर देंगे, एक काम और करो सर, एक काम यू इक्वल्स है ना, मान लो लेंथ x से यहां से यहां तक, यू का मान हो गया माइनस एक्स, बी का मान क्या हो गया, बी का मान हो गया आपका प्लस में होगा कितना हो गया 80 माइनस एक्स, ठीक है, और यहां से निकाल लेंगे हम लोग कितना b by u equals क्या पड़े हो माइनस थ्री एच ओ बाय चला है ना, यहां से कट गया, b का मान क्या पुट करेंगे, b का मान यहां से पुट करेंगे 80 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस होगा ये भी, और u का मान क्या पुट करेंगे माइनस एक्स इक्वल टू कितना माइनस थ्री, 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 3x, 80 इक्वल्स कितना होगा 4x, x का मान कितना आ गया 20, ये ऑब्जेक्ट इसके आंसर x का मान कितना हो गया 20 आया ना, इसका मतलब u का मान कितना होगा, अभी सही है मान से एक्सटेंशन करो उसको, तो हम वहां साइन को टेकअप नहीं किया ना, साइन टेकअप करना पड़ेगा, x डिस्टेंस माने है साइन माइनस क्यों लिए, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव से वहां माइनस है, ठीक है उसको सॉल्व से करो, फिर से बोला क्या कर हम इससे देखे लास्ट में जो टू एफ पोस्ट लगा के दोनों सेम ही आ रहा है, यू और बी सेम तभी होगा जब इमेज सेम हो, यहाँ इमेज बड़ा कर रहा है ना, इसलिए हम लोग उसको काट के बैक होना पड़ा, वही यूज करोगे यहां तक सेम रहेगा, मतलब यूज करना आप कुछ कर सकते, थोड़ा सा भी गलती होगा दिक्कत, खासकर जहां भी यू और बी का सम रहे यही कंसेप्ट यूज करोगे, माइनस खुद से मानना पड़ेगा एक्स को मान लो, ठीक है, और आप लोग खत्म कीजिएगा इस चैप्टर को, बन जाएगा पूरा न्यूमेरिकल इसी तरह का बेस्ट है, जो आप पढ़े मिरर में वही सेम स्टाइल करिए, सब कुछ सेम रहेगा, कंसेप्ट यही नहीं आपको यूज करना है।
होमवर्क में आप लोग का यही है कि पूरे एक्स्ट्रा में तो जो भी आपके पास बुक है उससे आप लोग न्यूमेरिकल्स पे काम कीजिएगा। क्लास आपका आज खुला हुआ है, दिया है। अब आना आपको